नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। देश ने चंद्रमा के लिए अपने दूसरे महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 को सोमवार को पृथ्वी की निर्धारित कक्षा से स्थापित कर इतिहास रच दिया। चंद्रयान 2 को देश के सबसे वजनी 43.43 मीटर लंबे GSLV MK3M1 रॉकेट से भेजा गया, जिसने प्रक्षेपण के 16 मिनट में इस पृथ्वी की पार्किंग कक्षा में पहुंचा दिया। इस शानदार उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने वैज्ञानिक को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो और भारतीयों को बधाई संदेश दिया। इस मौके पर पीएम ने चंद्रयान 2 के फायदे भी गिनाए। मोदी ने ट्वीट के साथ साथ कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। इसमें मोदी खड़े होकर लॉन्च देख रहे हैं। तस्वीरें बताती है कि मोदी की मिशन पर पूरी नजर थी और वह भी मिशन के लिए आम भारतीयों की तरह उत्साहित हैं। इसरो की इस कारनामे का राज्यसभा और लोकसभा में भी जिक्र हुआ। पीएम मोदी ने अपने पहले ट्वीट में लिखा, आपने गौरवमय इतिहास में भारत ने कुछ शानदार पल और जोड़े। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हमारे वैज्ञानिकों की ताकत और 130 करोड़ भारतीयों की दृढ़ निश्चय को दिखाती है। दूसरे ट्वीट में मोदी ने बताया कि चंद्रयान 2 पूर्णतः स्वदेशी है। उन्होंने लिखा, चंद्रयान 2 को जो बात भारतीयों को और उत्साहित करती है वह यह है कि पूर्णतः स्वदेशी है। इसके अंदर एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक रोवर है जो चांद की समीक्षा करेंगे। असम के वित्त मंत्री व भाजपा नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने लिखा, एक मिशन जो प्रेरणा, नवाचार और खोज का एक प्रतीक है। चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण के लिए टीम को बधाई, वास्तव में एक गर्वित क्षण। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, चंद्रयान 2 को संभव बनाने के लिए आपको नमस्कार माननीय पीएम, सबसे खूबसूरत क्षणों में से एक पर कब्जा कर लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने कहा, चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर इसरो टीम को बधाई, हमने आज भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय लिखा है, क्योंकि यह चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला हमारा पहला रॉकेट है। पूरे देश को आज स्वदेशी मिशन पर गर्व है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा, चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर माननीय पीएम इसरो की टीम को बधाई, यह वास्तव में सभी भारतीयों के लिए सबसे गर्व के क्षण में से एक है। धन्यवाद।